तो गाइस 2 दिन से तबीयत खराब है, बहुत ज़्यादा फीवर और कोल्ड है। हमने कुछ भी नहीं किया 2 दिन से, हम सिर्फ बेड पे पड़े हुए हैं। सोनाली अपना ऑफिस का काम कर रही है रोते पिटते एंड बहुत ज़्यादा रनिंग नोज है यार, मतलब समझ नहीं आ रहा क्या होगा गाइस वेदर चेंज हुआ है ना इस वजह से, तो प्लीज आप सब भी अपना ख्याल रखिए। हम भाई, बहुत तो ख्याल अपनी रखना, चपेट में आ गए हैं। बहुत ख्याल रखना अपना, पूरे कपड़े पहनना, स्वेटर जैकेट पूरे कपड़े, कंबल। हम बहुत ज्यादा कपड़े पहन के घूमते यार हैं। आई मीन के हम तो टी शर्ट पहन के घूम रहे थे ना, मतलब आप लोग यार हाँ कंबल रजाई सब पहन लो भाई, कोल्ड मत होने देना। और रनिंग नोज ना, नशे चल रहे हैं हमारे फुल तो गाइज 2 दिन व्लॉग नहीं आया, बट कोशिश करेंगे कल से डेली व्लॉग्स हम कंटिन्यू रखें एंड आपका ऐसे ही मनोरंजन करते रहे। बाय। ये नो बाय, अभी अभी हम पूछेंगे गौरा से कि उसका टाइम कैसा रहा ये 2 दिन, ये कोल्ड के 2 दिन उसके कैसे रहे। आई थिंक शी इज़ फीलिंग बिट बेटर बट नॉट कम्प्लीटली, सो गाइस कल मुझे जाना है, आई एम सॉरी, ये कल मुझे हाल देख लो इसको, खाते पीते सोते, मैं सच कहता हूँ गाइज, मान जो जाना है ऑफिस, एंड मेरे जो मैनेजर और लीडर की कृपा से मैं हफ्ते में एक ही बार ऑफिस जाती हूँ, और इस कृपा का भी मैं नजायज फायदा उठाऊँ तो अच्छी बात नहीं है। तो मुझे आज जाना था बट आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो मैं आज नहीं गई, तो अब मुझे कल जाना है। एंड स्टिल आई एम नॉट फीलिंग वेल, बट मैं जाऊँगी क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। दे अलाउ मी टू कम ओनली वंस इन अ वीक, एंड उसमें मैं बहाने करूँ तो टुमारो आई विल गो। दैट्स नॉट अ बहाना, बट पता नहीं क्यों जिस दिन जाना होता है उसी दिन कुछ ना कुछ हो जाता है। नहीं तो यार, तो नॉर्मल है, वेदर चेंज हुआ, इट्स नॉट कि जिस दिन जाना होता है, इट बट जनरल यार यस किसी के साथ भी हो सकता है। एंड गाइस आज हमने कोई काम नहीं किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया 2 दिनों से, मैं तो सिर्फ बेड पे पड़ा हूँ। एक होते हैं ना वो नई नवेली दुल्हन एकदम छुप के बैठी होती है कंबल में, देखो कंबल भी निकाला हुआ है हमने। ये मुझे कहते मेरा मन नहीं कर रहा कैमरा भी पकड़ने का, मैं क्या करूं। मैंने कहा रहने दो ऐसा नहीं है गाइस, सच में तबीयत ठीक नहीं थी, और पता है ना हमने ब्रेकफास्ट बनाया, ना हमने खाना बनाया, ना हमने कुछ बनाया, सब मम्मियों की कृपा रही है, इधर से सोनाली की मम्मी की कृपा सुबह को, और शाम को मेरी मम्मी की कृपा, तो यस कृपा भरोसे हम दोनों चल रहे हैं। राइट गाइस, हम कृपा भरोसे चल रहे हैं। एंड हम 2 दिन से कहीं निकले भी नहीं है कि किसी और को वायरल ना हो जाए हमारी वजह से, बहुत ज़्यादा यार, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं सोचना चाहिए, थोड़ा सा सेल्फिश होना चाहिए, कर दो सबको कोड ये बड़ी क्यूट है यार, क्या बताऊँ। तो गाइस कोशिश करेंगे कि कल से हम ना डेली ब्लॉग डालें सुबह से शाम का, सो जैसे बिकॉज हम डालते थे, इट वाज जस्ट अ 2 डेज नैप यू कैन से। ये झपकी ली हमने 2 दिन की, जिसमें हमने अपने आप को रेस्ट दिया है, बट स्टिल वी आर नॉट वेल, बट पक्का हम वी कंटिन्यू आर करेंगे। रिकवरिंग एक्चुअली एंड बता, यस रनिंग वी आर नोज सबसे ज़्यादा खराब रिकवरिंग। होती है, और दोनों की रनिंग नोज छी, ऐसे कौन करता है। गाइस अपना प्यार बनाए रखना, सब्सक्राइब करते रहना, नहीं सब्सक्राइब कर देना और लाइक लाइक जरूर कमेंट करना। शेयर कर दिया करो गाइज, इतनी कंजूसी मत किया करो, वैसे ही इतनी कंजूसी से लोग देखते हैं, और फिर अगर आप लाइक शेयर कमेंट नहीं करोगे तो फिर कैसे बात बनेगी, बात ही नहीं बन पाएगी, यू नो। तो एंड इसीलिए मैंने पता है क्या देखा है, एनालिटिक्स में मैंने चेक किया था उस दिन कि हमारी वीडियोस कौन ज़्यादातर देख रहा है, और मैंने ज़्यादातर पता है कौन देख रहा है, जो नॉन सब्सक्राइबर्स है वो वीडियोस देख रहे हैं, बताओ, मतलब कि जो जानते हैं वो हमें देखना ही नहीं चाहते हैं, ऐसा कैसे। नहीं देखना चाहते हैं बट जो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे, मेन बात हाँ ये है, अच्छा, जानने वालों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। जो देख, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने सब्सक्राइब, वो जानने वालों ने सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने किया हुआ है, बट जो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो हमारी वीडियोस देखते हैं बट उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को, ओहो, तो गाइस कर दो वीडियो अगर यार। देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर वीडियो नहीं देख रहे हो और अगर आप हमें जानते हो तो प्यार में सब्सक्राइब कर दो। कर दो तो ठीक यार, है, प्यार बढ़ाने से बढ़ता है गाइस, ऐसे मत करो प्लीज। छोटे छोटे दो बच्चे हैं, उनको प्रोग्रेस चाहिए यूट्यूब में, यू नो दे हैव सम प्लान, नो वी हैव सम प्लान्स, तो आप हमें हेल्प करो ना प्लीज। प्लीज प्लीज एंड वी से चीज, गाइस इतनी प्यारी रिक्वेस्ट कभी किसी ने नहीं की होगी आपसे।
कसम से। और मेरा नेकलेस देख लो कहाँ कहाँ हमारे लैपटॉप के नीचे, ये देख लो ये गाइस, लैपटॉप बहुत गर्म होता है तो मेरे को गर्म गर्म लगेगा। तो अपने टेबल पे बैठो ना जाके। टेबल पे सुबह से बैठी थी मैं, इतने टाइम नहीं बैठ पाती हूँ आजकल, लेकिन क्या करूँ बैठना पड़ता है। तो फिर मैं कभी इधर आ जाती हूँ कभी उधर आ जाती हूँ। अब कल मुझे जाना है ऑफिस, तो मैं उधर किधर जाऊंगी, उधर तो बैठना ही पड़ेगा। आज इतना काम था कि आज हम सबका बन गया मोर। जब बहुत ज्यादा काम होता है ना तो दिस इज आवर डायलॉग कि आज तो मोर बना हुआ है यार। मेरे ऑफिस में एक नीरज जी है, वो बोलते हैं, बट अभी वो छुट्टी पे है बिकॉज उनकी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। बट वो जब बोलते हैं ना तो मजा आ जाता है सुन के कि मेरा यहाँ मोर बना हुआ है। और बताओ गाइज आप सब कैसे हो? ये काम तो चलता रहेगा जिंदगी भर, इसका क्या है। तो गाइज अभी ना थोड़ी देर पहले सोनाली और मैं बात कर रहे थे कि हमारे को 5 साल कंप्लीट हो गए हैं एज अ मैरिड कपल, एंड हमें आज भी बिलीव नहीं होता कि हमारी शादी हो चुकी है। यस, एंड इसका एक रीजन ये भी है कि गाइज हम ना मैरिड कपल की तरह नहीं रहते हैं, वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्तों की तरह रहते हैं, हम चड्डी बड्डी दोस्त हैं और हम दोस्त की तरह ही बिहेव करते हैं, दोस्तों की तरह ही रहते हैं, ठीक है। एंड एट टाइम्स आप मुझे तू करके भी बोलते हुए देखोगे तो डोंट फील वेरी ऑड, क्योंकि ऐसा होता है ना कि यहाँ पर जैसे हस्बैंड को बोलो तो बहुत ऑड लगता है, बट कोई नहीं लगता यार, हम दोस्त पहले हैं, बट हम दोस्त की तरह रहते यार, हैं। ये भी हमारी फैमिली है, ऐसी बात हाँ। नहीं है कि आपको इनके सामने मतलब कि मैं तू करके भी बात कर लेती हूँ, बट वो हमारा तरीका है, हम ऐसे ही रहते हैं। अंकित भी मेरे से ऐसे बात करते हैं, मैं भी ऐसे बात करती हूँ, बट इट डजंट मीन कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते। रिस्पेक्ट इतनी करते हैं कि यहाँ से अगर 1 लाख दिखाई जाती है तो मैं ऐसे कांप जाती हूँ, कांप। और जब यहाँ से आंख दिखाई जाती है तो मैं एक शेल में जाकर छुप जाता हूँ कि भाई बचा लो, कोई तो बचा लो भाई। फिर बीवी तो बीवी है ना, कायम रहे, बीवी तो फिर बीवी है ना। यस, तो इसीलिए एंड पता है एक ना रिलेशन में ज्ञान नहीं है गाइस, ज्ञान नहीं है, ज्ञानी मत समझ देना, ज्ञानी बाबा नहीं हूँ, बट एक रिलेशन में ना फ्रेंडशिप बहुत जरूरी है यार। करेक्ट। एंड एक मैंने ना आई रेड समवेयर कि अगर आप लड़ते हो, अगर आप झगड़ते हो तो आप उसको सॉल्व करो बात करके, ऐसा नहीं कि वो अपने रास्ते आप अपने रास्ते, ये नहीं कि चुप हो जाओ, आप उसको बात करो, उस बात का सॉल्यूशन निकालो। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है जो कि बात करके ही, इंटरेक्ट करके ही उसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। एंड इससे आप अपना ना एक रिलेशन काफी अच्छा स्ट्रांग बिल्ड कर सकते हो किसी के साथ भी। और हाँ, किसी भी रिश्ते में यार दोस्ती होनी बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो रिश्ता सिर्फ नाम का रह जाता है। yes. So, and सबसे बड़ी बात है कि speak, बोलो, मतलब कि if you don't like anything about anyone, not about each other, about any other family member or anything, बात करो कि मुझे ये चीज पसंद नहीं आई है। Obviously उसका solution might be वो बंदा ना दे पाए, सामने वाला आपका partner, but at least आप अपने अंदर का निकालो। और सामने वाले बंदे में भी इतने patience होने चाहिए कि वो आपकी बात को सुने, समझे और उसमें मैच्योरली एक्ट करे, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि आपने बोला और वो वर्ड टू वर्ड जाके सामने वाले को बोल के आ गया, बिकॉज एट दैट टाइम आप उदास हो, आप गुस्सा हो, आप एंग्री हो। ऐसा नहीं होता कि हम हमेशा पार्टनर से एंग्री होते हैं, शादी के बाद तो पार्टनर से ज्यादा आस पड़ोस वालों की वजह से एंग्री होते हैं। तो उसके लिए अपने पार्टनर से कभी भी मत लड़ो। तो दोनों को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर एक बंदा गुस्सा है बिकॉज ऑफ एनी वन और वो अपना गुस्सा आपको निकाल रहा है, तो आप सुनो, उसे अंदर रखो, उसको इस तरीके का कंसोल करो कि मतलब कि ठीक है तू काम डाउन हो जा, काम डाउन करवाओ, ओके फील करवाओ, बेटर फील करवाओ। एंड देन जब वो ठंडा हो जाए तो उससे आपस में ही रिजॉल्व करने की कोशिश करो, रादर देन गोइंग टू दैट
पर्सन और ऐसा अपने आपस में ही कर लो एंड देन इट्स फाइन, क्योंकि एट द एंड गुस्सा कुछ नहीं होता है, बस सामने वाले को अपने अंदर का निकालना होता है एंड दैट टू जब आपका कोई और फ्रेंड ना हो एंड आप खुद एक दूसरे के फ्रेंड हो, तो ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हम फॉलो करते हैं, मतलब कि अगर मुझे किसी पे गुस्सा आ रहा है या फिर इन्हें आ रहा है तो ये बोलते रहेंगे एट दैट टाइम मैं बिल्कुल नम हो जाती हूँ, चुप हो जाती हूँ, सुन लेती हूँ कि ठीक है, कहने की बात है गाइस, कहने की बात है कि ये चुप हो जाती है, मेरे को बोलने का मौका ही नहीं मिलता, मुझे गुस्सा करने का मौका ही नहीं मिलता यार। एंड गाइस मुझे बोलने का मौका नहीं मिलता, मुझे तो गुस्सा भी नहीं आता यार, मैं क्या बताऊं गाइस, मेरा बर्थडे मंथ इज मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, मैं बहुत बोलता हूं। एंड ऐसे तो मैं बहुत दिमाग वाला हूँ। सो गाइस आरती कर लिया हमने एंड थोड़ा सा सोच रहा था कि बाहर चले जाएंगे, बट हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है यार। सो आज का व्लॉग सिर्फ इतना था कि हम बीमार हैं और हमारी चिट चैट आपने सुनी होगी। सो अब हम आपको मिलेंगे कल सुबह 8:30 बजे, बिकॉज काम बहुत सारा पेंडिंग है मेरा भी ऑफिस का एंड इतनी छुट्टी नहीं ले सकते, एंड मैं तो सुबह 6 बजे चला जाऊँगा एंड सोनाली को ऑफिस जाना है। सो आपको कल सुबह मिलता हूँ मैं, क्योंकि घर में कल मैं ही हूँ और ऑफिस का काम करना है बहुत सारा। मिस मी।